सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन, मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सुख का सागर हम बच्चों को संपूर्ण सुखी बनाने के लिए संगम युग पर आकर आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, आज गरीब निवास बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरा जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनके श्रीमत पर चलो। हम कितने गरीब बन गए थे, जिसके कारण दुखी हो गए थे। बाबा हमें संपूर्ण धनवान सुखी बनाने के लिए, हीरे जैसे बनाने के लिए सब कुछ संपन्न होगा। इसके लिए बाबा हमें कह रहे हैं, बाबा की श्रीमत पर चलनी है। भगते, पहले पहले तुम सभी को कौन सा गुह्य राज समझना चाहिए? बाबा कहते हैं, तुम जानते हो यहां बाप दादा के पास आए हैं, ये दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें ही है, ब्रह्मा की आत्मा भी है। एक आत्मा है, दूसरा परमात्मा। पहले पहले यह गुह्य राज सबको समझाओ, पहले तो खुद समझना है और सबको समझाना है। बाबा कहते हैं, बाप दादा इकट्ठे हैं। बाबा कहते हैं, दादा जो है वो भगवान नहीं है, मनुष्य भगवान होता नहीं। भगवान कहा जाता है निराकार को, वो बाप है शांति धाम में रहने वाला। बाबा आज बहुत प्यारा सा गाना याद कर रहे हैं, आखिर वह दिन आया आज। बाबा कह रहे हैं, वो दिन आया जब आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। लौकिक संबंध में बाप अलग दादा अलग होता है, बाप से दादा को वर्षा मिलता है। कहते हैं दादे का वर्षा लेते हैं, वो है गरीब निवाज। गरीब निवाज उनको कहा जाता है जो आकर गरीबों को सिरताज बनाए। तो पहले पहले पक्का निश्चय होना चाहिए कि ये कौन है। देखने में तो साकार मनुष्य है, इनको सब ब्रह्मा कहते हैं, तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां। जानते हो हमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है, जो सबका बाप आया है वर्षा देने के लिए। बाप वर्षा देते हैं सुखों का, फिर आधा कलह बाद रावण दुख का श्राप देते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढने के लिए धक्का खाते हैं, मिलता किसी को भी नहीं। भारतवासी गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, फिर कहते हैं आप जब आएंगे हमारे एक ही आप होंगे, दूसरा ना कोई। तुम जानते हो बाप है गरीब निवास। बाबा कहते हैं, आप बच्चे जानते हो, शिव बाबा को पहचान गए हो। शिव बाबा हमको आकर धनवान बनाते, सुखी बनाते। बाबा कहते हैं, अभी मैं फिर तुम बच्चों को सिरताज बनाने के लिए आया हूं। कितनी खुशी होनी चाहिए, भगवान हमको सिरताज संपूर्ण सुखी बनाने के लिए आए हैं। एक ताज होता है पवित्रता का, उसमें लाइट देते हैं। बाबा कहते हैं, डबल सिरताज मतलब क्या है? दूसरा है रतन जड़ित ताज, जो ज्ञान योग धारणा से हम प्राप्त करते हैं बाबा की याद से। तो बाबा कहते हैं, ब्रह्मा के तन से मैं ज्ञान देता हूं, लेकिन ब्रह्मा भगवान नहीं है, भगवान है निराकार शिव बाबा। मनुष्य भगवान कभी होता नहीं है, और हम भी भगवान ब्रह्मा को नहीं मानते। ब्रह्मा साकार रूप में उनके तन में शिव बाबा आकर ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं, यहां और कुछ बाहर का याद नहीं आना चाहिए, यहां श्री बाबा और मैं आत्मा, शिव पिता परमात्मा और मैं आत्मा, यहां है ही मात पिता और बच्चे, और यहां शूद्र संप्रदाय है नहीं। जो ब्राह्मण नहीं है उनको शूद्र कहा जाता है। बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा राजधानी,
का मालिक बनाने आया हूं तुम बच्चों को। अब हम मालिक नहीं है क्योंकि हम पति थे, जब पावन थे तो 84 के चक्कर लगाए सो तो रजोतम में आए हैं, लेकिन जब संपूर्ण पावन बन जाएंगे तब हम राजधानी के मालिक बनेंगे। बाबू कहते तुम 84 जन्म लिए हो, रचता और रचना की सारी नॉलेज एक बाप के पास है, वही पहले पहले सतयुग में आना है। तुम 84 जन्म लिए हो, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। कौन? शिव बाबा। जरूर बीज में ही नॉलेज होगी। इस झाड़ की कैसी उत्पत्ति पालना और विनाश होता है ये बाप हमको समझाते हैं। अब बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम कैसे 84 जन्म लेते हो, बुलाते भी हो पतित पावन गरीब निवाज बाबा आओ, हम गरीबों को स्वर्ग का मालिक फिर से बनाओ। स्वर्ग में सुख घने थे, अब दुख घने रहे कलयुग में, लेकिन हम बच्चे संगम युग में आ गए हैं, भगवान को पहचान गए हैं, कितनी बड़ी बात है, खुशी की बात है। बाबा कहते हैं भूलो मत कि यह बाप दादा है, बार बार बाबा याद दिला रहे हैं, क्योंकि कोई कोई बच्चों को बहुत संशय आ जाता है, इसलिए बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी का वर्षा देता हूं, यह बाप दादा है भूलो मत। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को लायक बना रहे हैं, कहां के? सतयुग के, राजधानी के। भगते बरोबर तुमको स्मृति आई है, हम स्वर्ग के मालिक थे, उस समय हम बहुत थोड़े थे, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में 9 लाख होते हैं। तो बाप कहते हैं आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना शंकर द्वारा विनाश करा देता हूं, तैयारी सब कर रहे हैं, कलह पहले माफी। कितने बॉम्ब्स बनाते हैं, 5000 वर्ष पहले महाभारत की लड़ाई लगी थी, भगवान ने आकर राजयोग सिखाए थे जो हम बच्चे अभी सीख रहे हैं। इसी खुशी और नशे में रहना है कि हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, और नई दुनिया में कृष्ण का ही राज्य था, लक्ष्मी नारायण। कितनी अच्छी बात है, कहां जा रहे हैं हम, यह नशा हम बच्चों को होना चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के बदले कृष्ण का नाम ले लेते हैं, क्योंकि कृष्ण है सुंदर, सबसे प्यारा बच्चा। मनुष्य को तो पता ही नहीं है ना, कृष्ण अलग राजधानी का, राधा अलग राजधानी का, भारत सिरताज था अभी कंगाल है, फिर बाप आकर सिरताज बनाते। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो और मां में कम याद करो तो तुम स्वतः प्रधान बन जाएंगे, फिर जो सर्विस कर आप समान बनाएंगे वो ऊंच पद पाएंगे, डबल सिरताज बनेंगे। बाबा ने गुह्य राज खोला है कि डबल सिरताज पाने का कारण क्या है, कि हम स्वर्ग का बादशाह लेना है तो हम डबल सिरताज पाने के लिए पुरुषार्थ करना है, सबको बाप समान आप समान बनाना है। बाबा धारणा में कहते हैं निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है, कर्म करते भी बाप की याद में रहना है, याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी, मुरली कभी मिस नहीं करनी है, ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है, भट्टी में कुछ भी बाहर का याद ना आए। वरदान दे रहे हैं बाबा, स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले त्यागमूर्त निश्चय बुद्धि भव। बाप मिला सब कुछ मिला, इस खुमारी बार नशे में सब कुछ त्याग करने वाले ज्ञान स्वरूप निश्चय बुद्धि बच्चे, बाप द्वारा जब खुशी शांति शक्ति व सुख की अनुभूति करते हैं तो लोक लाज की भी परवाह ना कर सदा कदम कदम बढ़ाते रहते हैं। इन्हें दुनिया का सब कुछ तुच्छ असार अनुभव होता है, बस मैं बाबा का बाबा मेरा। ऐसे त्यागमूर्त निश्चय बुद्धि बच्चों पर बाप दादा अपनी सर्व संपत्ति सहित कुर्बान हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, बाप हम पर जो ये टाइटल बाबा मिला सब कुछ मिला, नशे में रहेगा शांति सुख की अनुभूति करेगा, लोक लाज का परवाह नहीं करेगा, तो उसे बाप की सारी संपत्ति मिल जाती है। कितनी बड़ी खुशी की बात है,
जैसे बच्चे संकल्प करते हैं बाबा हम आप कहें, तो बाबा भी कहते हैं कि बच्चों बाप का सो आपका संपत्ति। तो बाबा स्लोगन में कह रहे हैं, सहज योगी वो हैं जो अपने हर संकल्प व कर्म से बाप के स्नेह का वाइब्रेशन फैलाते हैं। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूं, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूं, बस बाप दादा जो ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा ज्ञान दे रहे हैं संपूर्ण निश्चय, जरा भी संशय नहीं। तो इसी के साथ मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए मुस्कुराते रहेंगे, 24 घंटा अनुभव करना है, सर्वशक्तिवान बाबा मीठा बाबा मेरे साथ हैं, बाबा मिला सब कुछ मिला, इसी नशे खुशी में दिन भर रहना है, मुस्कुराते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।